यूपी के जिला बरेली में हाईवे पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे देखने वाले सिहर गए और इसकी चीखें बरेली से लेकर शाहजहांपुर तक सुनाई दीं। ये फतेहगंज पूरी में उसिया मोड़ पर हुआ, तब जब शाहजहांपुर के मोहल्ला शास्त्री नगर की रहने वाली अनुदेशक रुचि शर्मा उम्र 30 साल और फतेहगंज पूरी में लेखपाल कॉलोनी की शिक्षा मित्र पंकज शर्मा उम्र 48 साल निवड़िया विद्यालय में पढ़ाकर लौट रही थीं। हरियाणा रोडवेज बस के चालक ने स्कूटी में टक्कर मारी, उसे 100 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। राहगीरों ने शोर मचाकर किसी तरह बस को रुकवाया। भूदेव शर्मा की पत्नी पंकज शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। जबकि रुचि शर्मा को इलाज के लिए बरेली के अस्पताल ले आया गया, यहां उनकी मौत हो गई है। बस को पुलिस ने पकड़ लिया है, चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि रुचि शर्मा के परिजन ने हमें पोस्टमार्टम हाउस पर हादसे को लेकर क्या जानकारी दी है। क्या नाम अंकल आपका? राम निवास मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? क्या घटना हुई थी? रुचि पांडे स्कूल से वापस आ रही थी और जो है किसी वाहन ने बस ने टक्कर मार दी, जो है अपने साथी पंकज शर्मा साथ आ रही थी, वहीं पंकज शर्मा वहीं घटनास्थल पर खत्म हो गई और ये अस्पताल में आके गए। कहाँ पर टक्कर लगी थी? मौके पर डेथ हो गई थी क्या? दोनों की डेथ हुई है आज और कल में। अच्छा, वाहन का पता नहीं लग पाया किस चीज से टक्कर हुई? हरियाणा की रोडवेज बस है,